300-400 थाल मिल जाते। थाल क्या बोलते हैं भैया? थाल की बर्फी। थाल की बर्फी कलाकंद कहते हैं। कलाकंद बोलते हैं। गुलाब सकरी केसर से बनी हुई है। इसका नाम गुलाब सकरी कैसे पड़ गया? गाइस मैं हूँ अभी जयपुर में बवरलाल कैलाश चंद सौंधिया हलवाई पर, फेमस है अपने मूंग थाल और गुलाब सकरी के लिए। और ये देखिए मूंग थाल रखा हुआ, अभी ये फेमस है इनका मूंग थाल जो लगा हुआ है यहाँ पर, वो गुलाब सकरी जो कि काफ़ी पसंद किया जाता है जयपुर के अंदर। तो बेसिकली किससे बनाया जाता है मूंग थाल? बेसन से। बेसन से भाई कितनी पुरानी शॉप है आपकी? लगभग ये 70-80 साल पुरानी। 1957 के तो पेपर पड़े हैं भैया, इससे पहले की है। अच्छा, इससे पहले की है। और सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जाता है आपको? यहाँ मूंग थाल, गुलाब सकरी, एलोवेरा लड्डू। अच्छा, बेसन की सादा शेव। गुलाब गुलाब सकरी पीछे रख दी आपके। तो ये किससे बनाई जाती है गुलाब सकरी? किससे बनाई जाती है? ये मावे से बनाई जाती है। और क्या क्या रहता है अपने पास? और अपने कचौरी है, हींग वाली खस्ता कचौरी जो 15-20 रोज चलती है। अच्छा, वो दाने के लड्डू है। अच्छा, केसर वाले। केसर वाले वो दाने, वो गलेब का पेटा है, ये मक्खन बड़ा है। अच्छा, मक्खन बड़ा। ये गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू। एलोवेरा के लड्डू। एलोवेरा के लड्डू। ये देखिए ये मूंग का लोहा, ये गाजर का लोहा जो की देसी घी में मिठाई देसी घी में रहती है। सारी मिठाइयाँ देसी घी में रहती है। पहली पीढ़ी का नाम सेठू राम जी था। अच्छा, दूसरी पीढ़ी का मोहन लाल जी था। तीसरी पीढ़ी का कैलाचंद जी था। अच्छा, अब प्रेजेंट टाइम में ओनर श्री रितेश कुमार जैन है। क्या बोलते हैं भैया? थाल की बर्फी। थाल की बर्फी कलाकंद कहते हैं। कलाकंद बोलते हैं। ये फेमस गुलाब सकरी। गुलाब सकरी है तो ये केसर से बनी हुई। केसर से बनी हुई। प्राइस क्या रहता है इसका? 540 रुपए किलो। 540। ये वाला अपना भैया मूंग थाल 320 रुपए किलो है। सबसे ज्यादा फेमस ये है मूंग थाल। लाल वाली वो बन रही है जो नमकीन है, सबसे अच्छा फेमस। इडली के तेल में बनती है सारी। बिल्कुल मिठाई बनती है देसी घी में। थाल पसंद है यहाँ के, और यहाँ का बूरा बहुत पसंद है। अच्छा, बूरा। बूरे में क्या खासियत रहती है भैया? मीठा है, अच्छा है, पूरा क्वालिटी अच्छी मिलती है। क्वालिटी अच्छी बनती है। और मूंग थाल कैसा स्वाद है भैया? मूंग थाल तो बहुत। मैं अच्छा देख रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ जो भी आ रहा मूंग थाल जरूर ले रहा है। यहाँ इतना फेमस है, फेमस है मूंग थाल के लिए। फेमस है, इतना फेमस है यहाँ पर, इतना फेमस पसंद किया जाता है। जयपुर में सबसे ज्यादा फेमस है मूंग थाल। और कहीं मिलता है मूंग थाल? नहीं, इससे अच्छा नहीं मिलता। स्वीट के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ स्पेशल है इनका सेब की नमकीन जो कि यहाँ गर्मा गर्म बन रही है और जो बनती रहती है यहाँ पर। देखिए सेब मोटे वाले सेब है, ये नमकीन भी रूपली के तेल में रहती है। और जो स्वीट है सारा वो देसी घी में रहता है। एलोवेरा लड्डू है, गोंद के लड्डू है, पूरा भी यही बनता है आपका केमिकल फ्री पूरा? हाँ जी। और जो भी मिलता है सारा कुछ बिल्कुल ओरिजिनल रहता है। मेरे तो जन्म हो गए इस मोहल्ले का। तो क्या पसंद है ये सेब लेके जा रहे हो आप? सेब की नमकीन तो पसंद करते हो यहाँ पर? सब पसंद करते हो मुझे। और यहाँ का मूंग थाल? मूंग थाल बहुत पसंद है, बहुत पसंद। अभी ये आएगा बासवड़ा। अच्छा, बासवड़ा उसमें 300-400 थाल बिक जाते हैं। थाल 300? अच्छा, 400 एक दिन के अंदर। एक दिन इतना पसंद किया था जयपुर के अंदर। हाँ जी, मूंग थाल खराब नहीं होता है। 10 दिन भी, 10 दिन भी होता सूखता है, खराब नहीं होता है। और गुलाब सकरी भी नहीं, 5-7 दिन तक कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल टकाटक आओ मजा से। वो बांसड़े पे सबसे ज्यादा डिमांड रहती है इसकी भी। हाँ जी, हाँ जी, सबसे नंबर की मिठाई है। 300-400 थाल एक दिन के अंदर भाई सेल, एक दिन के अंदर सेल हो जाते हैं। एडवांस तो ऐसा ऐसा क्यों अंकल जी, थोड़ा सा बताइए। चीजें खराब नहीं होती ना। लौंगी सेब। लौंगी सेब तो लौंग का चूरा मिला के बेसन में मिला जाता है। अच्छा, लौंग का चूरा मिला के बेसन में मिलाया जाता है लौंग के सेब। लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है यहाँ का? ये चौड़ा रास्ता लालची सांड का रास्ता है। पहला चौरा है जयपुर के अंदर, जयपुर राजस्थान। मैं हूँ भी जयपुर में सौंधिया हलवाई पर। यहाँ का फेमस मूंग थाल ट्राई कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। बेसन से बनाया जाता है। देखिए दरदरा बेसन है शायद। और चलिए टेस्ट करता हूँ, यहाँ कुछ देर खड़ा हुआ हूँ। जो भी आ रहा है यहाँ का मूंग थाल जरूर ट्राई कर रहा है। मिठास भी अच्छी है, ज़्यादा मीठा नहीं है। और काफ़ी दरदरा बेसन है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, टेस्ट काफ़ी अलग है। तो जब कभी भी आप सौंधिया हलवाई पे आ रहे हो ना तो यहाँ का मूंग थाल जरूर ट्राई कीजिएगा, सच में आपको अच्छा लगेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी। सारे साथ के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टाटा।